खोलिए गा स्लाइड। अच्छा यहाँ पे देखें, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइएगा, लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। सबसे पहले कि मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूएशन है ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी की, ट्रेडिशन की सॉरी। वेयर टू फाइंड टू कॉम्प्लेक्सेस एंड वन वर्क ऑफ आर्ट। और ग्रीक ट्रेजेडी में दो कॉम्प्लेक्सेस एक ही आर्ट फॉर्म में बहुत कम नजर आए हैं। पैरेलल थीम्स गोज टुगेदर, और इसमें पैरेलल थीम्स देखी गई हैं, यानी कि ग्रीक ट्रेजेडी की, ग्रीक ट्रेडिशन और मॉडर्न लिटरेचर जिसको हम अमेरिकन लिटरेचर कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की थीम्स भी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रखी गई हैं। उसके बाद है ट्रेजिक इम्प्लीकेशन जनरेट्स इमोशन ऑफ पर्गेशन एंड गिव इमोशनल रिलीफ। और ट्रेजिक इम्प्लीकेशन इसकी जो है वो जनरेट करते हैं इमोशंस ऑफ पर्गेशन एंड गिव्स इमोशनल रिलीफ। अब यहाँ पे देखें पर्गेशन और इमोशनल रिलीफ क्या होता है। ट्रेजेडी जो भी होती है उसमें एक जो ग्रीक ट्रेजेडी जिसको हम एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी भी कहते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी पर्गेशन होती है, आपके इमोशंस की का तस्किया होता है। ठीक है, आप अपने इमोशंस का तस्किया करते हैं और उसके बाद जो है आपको एक इमोशनल रिलीफ मिलता है कोई भी ट्रेजेडी देखने के बाद, तो आपका एक कथारसिस होता है, आपका तस्किया नफ्स होता है। तो वो जो उस जो भी हम ट्रेजेडी देख रहे होते हैं उसकी जो ट्रेजिक इम्प्लीकेशन होती है वो हमारे अंदर इमोशन ऑफ पर्गेशन और हमें एक इमोशनल, जब हमारा कैथारसिस होता है, पीटी एंड फियर की कंडीशन हमारे अंदर आती है, तो फाइनली हमारे अंदर एक इमोशनल रिलीफ भी पैदा होता है। उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर बाय मॉडिफाइंग देयर नेम। अब क्या हुआ कि ग्रीक ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन थी और रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर की गई बाय मॉडिफाइंग देयर नेम, लाइक लेविनिया को। लेट सी कि इस पूरी ट्रेजेडी के अंदर कौन कौन से ग्रीक नेम्स थे जिनको मॉडिफाई करके और अमेरिकन लिटरेचर के कैरेक्टर्स बना दिया गया। अब यहाँ पे देखें मॉडिफाई कैसे किया गया है। एक तरफ लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा, एक तरफ लिखा हुआ है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्रीक ट्रेजेडी और ओरेस्टिया। ठीक है, तो इसमें देखें कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि पैरेलल रखे गए थे ग्रीक ट्रेजेडी पे। लेविनिया जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा को पैरेलल रखा गया एक ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम ओरेस्टिया था। ठीक है, ओरेस्टिया के पैरेलल पे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, यानी कि इस पैटर्न के ऊपर ये मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा को लिखा था यूजीन ओ'नील ने। और वो लेविनिया मेनन जो है वो पैरेलल थी इलेक्ट्रा की, दैट्स वाई इसको कहा गया था कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। और क्रिस्टाइन मेनन जो है उसको क्लिस्टमिनेस्ट्रा, और उसके बाद एज्रा मेनन जो है वो एगामेमनन था, ऑरिन मेनन जो था वो ओरेस्टस या ईडिपस। ठीक है, इन दोनों ऑरिन मेनन जो है इसको ईडिपस या ओरेस्टस, और ईडिपस रेक्स आप लोगों लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम जब ड्रामा स्टार्ट करेंगे कि ईडिपस एक ऐसा ईडिपस रेक्स जो है ये वो ट्रेजेडी है जिसको आइडियल ट्रेजेडी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, जिसको ग्रीक ट्रेजेडी कहा जाता है। और ये वो ट्रेजेडी है कि जिसके ऊपर अरिस्टोटल की ने जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन लिखी थी वो पूरी की पूरी उतरती है। ईडिपस एक ऐसे शहजादे का नाम था, एक ऐसे बाद में वो बादशाह भी बनता है जो कि अपने ही बाप का कत्ल करता है और अपनी ही माँ से शादी करता है अनजाने में। ठीक है, और उसकी ये किस्मत में लिखा हुआ होता है कि उसने ऐसा करना है कि वो अपने ही बाप का कत्ल करता है और अपनी माँ से शादी करता है। और ये एक दूसरा जो ओरेस्टिया में ओरेस्टस जो था वो एक्चुअली उसको पैरेलल पे रखा गया ऑरिन मेनन। उसके बाद कैप्टन एडम ब्रांड जो है उसको एडिस्टस के पैरेलल रखा गया। उसके बाद कैप्टन पीटर नील है उसको पायलेट्स, और अमेरिकन सिविल वॉर को ट्रोजन वॉर के पैरेलल पे रखा गया। अगर आप ग्रीक ट्रेजेडी में देखें तो ट्रोजन वॉर जो है उसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, और अमेरिकन सिविल वॉर को रखा गया कि ये जी ट्रोजन वॉर के पैरेलल पे है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है उसमें ग्रीक ट्रेजेडी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो यू कैन राइट इट इजीली। उसके बाद आगे चलते हैं।
Electra complex. The Electra complex is a psychoanalytic term used to describe a girl's sense of competition with her mother for the affection of her father. ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता क्या है. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक साइको एनालिटिक टर्म है जो कि यूज होता है एक गर्ल की, एक बेटी की सेंस ऑफ कंपटीशन विद हर मदर. एक लड़की की, एक बेटी की जो सेंस ऑफ कंपटीशन होती है अपनी माँ से फॉर द अफेक्शन ऑफ हर फादर. अपने फादर से जो उसकी अफेक्शन होती है, उसका जो ताल्लुक होता है, उसकी जो मोहब्बत होती है, उसकी बिना पे उसकी माँ से जो उसका कंपटीशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है. अब यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर कि लेविनिया डॉटर है और उसकी अफेक्शन किसके साथ है, एज्रा यानी कि उसके फादर के साथ है. उसके बाद देखें कि ईडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है इस पूरे ड्रामा के अंदर. Oedipus complex is a term used by Sigmund Freud. अभी हमने यही पढ़ना Freudianism और psychoanalysis. ठीक है, तो Oedipus complex जो है वो एक टर्म है जो कि यूज की थी सिगमंड फ्रूड ने इन हिज थ्योरी ऑफ साइकोसेक्चुअल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट टू डिस्क्राइब अ बॉयज फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर हिज फादर. के एक बॉय की फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर हिज फादर एंड द बॉय फील्स लाइक ही इज इन कंपटीशन विद हिज फादर फॉर द पोजेशन ऑफ हिज मदर. और वो फादर जो बेटा है उसको ऐसे लगता है कि वो शायद अपने फादर से कंपटीशन में है ताकि वो अपनी माँ को पोजेस कर सके. आपको मैंने बताया था कि ये नॉर्मली जो अफेक्शन होती है ये बड़े बेटे और बड़ी बेटी के अंदर देखी जाती है. ठीक है, तो अक्सर हम घरों में यही चीज देखते हैं कि बड़े बेटे की ना बाप से नहीं बन रही होती और बड़ी बेटी की माँ से नहीं बन रही होती और एक अजीब सा एक तनाव होता है उनमें. हालांकि नीचे वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन बड़ा बेटा और बड़ी बेटी उनमें, मतलब मैं 100% नहीं कह रही हर फैमिली के साथ ऐसा नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, लेकिन बहरहाल एक जनरल जो हमने देखा है फैमिलीज के अंदर वो ये चीज देखी गई है कि फादर की बड़े बेटे के साथ जो है बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं और मदर की बड़ी बेटी के साथ बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं. बिकॉज ही हैज सम अटेंशंस एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, क्योंकि उसकी कुछ अटेंशंस और अफेक्शन होती है अपनी माँ के साथ. इसी तरह बड़ा बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ कोई भी ज्यादती जो है किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता, उसके बारे में कोई बुराई बर्दाश्त नहीं करता. तो क्यों? क्योंकि वो बड़ा होता है और उसकी एक अफेक्शन होती है अपनी माँ के साथ. और जरूरी नहीं है सिर्फ बड़े बेटे के साथ, तो मोस्टली बेटों में ये चीज होती है. उसके बाद देखते हैं साइको एनालिसिस ऑफ द प्ले. आई थिंक दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन जो अभी हमने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ईडिपस कॉम्प्लेक्स की पढ़ी है. इसको अपनी बुक्स के अंदर आप नोट कर लें. उसके बाद है साइको एनालिसिस ऑफ द प्ले जो आज हमने पढ़ना है. उसमें देखें एक तो टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आएंगे और उसके अंदर लेविनिया एज्रा हम देखते हैं कि क्या क्या जो है मैरिटल अफेयर, टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हम क्या क्या बात करेंगे लेविनिया और एज्रा की. ऑरिन और क्रिस्टाइन का आपस में रिलेशन, क्रिस्टाइन एंड ब्रेंट का आपस में रिलेशन, ये तीन एक्स्ट्रा मैरिटल. देखिए मैरिटल रिलेशन किसका था, एज्रा और क्रिस्टाइन का. ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन क्या थे, लेविनिया और एज्रा का, यानी कि बाप बेटी का, माँ बेटे का, ऑरिन और क्रिस्टाइन, और उसके बाद क्रिस्टाइन और ब्रांड का. ठीक है, जो कि क्रिस्टाइन का लवर था. उसके बाद देखें यहाँ पे देखें फ्रूडियन स्टार्ट दैट सेक्स इज द बेस ह्यूमन इमोशन. तो फ्रूडियन यही कहता है कि ये जो सेक्स है ये बेस ह्यूमन इमोशन है, फ्री फ्लोइंग लिबिडो इन द प्ले. और यहाँ पे फ्री फ्लोइंग यानी कि लिबिडो जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें हम जिसका मीनिंग है फ्री फ्लोइंग, और हमें फ्री फ्लोइंग जो है प्ले के अंदर नजर आती है. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 7. द सन फील्स ऑब्लिग टू लव ओनली वन वुमन दैट इज हिज मदर, ईडिपस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ईडिपस कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, बेटा जो है वो कहता है कि शायद दुनिया में एक ही औरत है जिससे वो मोहब्बत करता है या उसका फर्ज है कि वो एक ही औरत से मोहब्बत करे और वो उसकी माँ है, और इसी को हम कहते हैं ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स है. दूसरी तरफ फ्रूड थ्योरी ये कहती है कि डॉटर इज इन लव विद हर फादर,
डॉटर जो है वो अपने फादर के साथ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, इसी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। फ्यूडियन ट्रेडिशन इस बारे में क्या कहती है? फ्यूडियन ट्रेडिशन, लव बिगिंस विद इनोसेंट एंड दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कार्नल इमोशन विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूडियन ट्रेडिशन जो है वो उसमें क्या होता है कि मोहब्बत जो है वो बिगिन होती है विद इनोसेंट, यानी कि इंसान जो है टोटली एक इनोसेंट पोजीशन में होती है एंड देन होता है एंड देन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्नल इमोशन विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और फिर वही उसकी जो मोहब्बत होती है वो जब शुरू होती है तो वो टोटली उसकी मोहब्बत इनोसेंट होती है, उसको नहीं पता होता कि मुझे मोहब्बत में क्या करना है या क्या नहीं करना है या ये सही भी है। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर एक बात कही जाती है कि मोहब्बत अंधी होती है, और एक और भी है कि दिल अगर पता नहीं गधे पे भी आ जाए तो दिल ही है ना, तो मतलब पता नहीं चलता, यानी कि मोहब्बत अंधी होती है, एक ये बात भी कही जाती है। इसी तरीके से मोहब्बत चाहे वो औलाद की हो या किसी भी दूसरे रिलेशन के साथ हो, एनी रिलेशन की बात करिए, मोहब्बत जो है जैसे बहुत सारी माएं कभी भी नहीं मानती कि हमारा बच्चा गलत है, क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो होती है वो बहुत इनोसेंट होती है और वो नहीं मानती, और कोई आके कहता उनको कि भाई देखिए आपके बच्चे ने ऐसे किया तो कितना गुस्सा आता है कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसे क्यों कहा, और माओं को खुद पता नहीं चल रहा होता कि मेरा बच्चा कहाँ पे गलत है। तो व्हाट इज दिस, ये उनकी जो अंधी मोहब्बत होती है ना, अंधा एतमाद अपने औलाद के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रूड ट्रेडिशन जो है वो ये कहते हैं कि ये जो मोहब्बत होती है ये शुरू तो इनोसेंस से होती है एंड दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कार्नल इमोशन, और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार्नल इमोशन में विद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड। सेक्सुअल डिजायर कैन नॉट फाइंड, अच्छा सेक्सुअल डिजायर कैन नॉट फाइंड एक्सप्रेशन आउटसाइड द कंक्रीट वॉल ऑफ मैन एंड हाउस, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल डिजायर है ये कोई भी एक्सप्रेशन नहीं फाइंड करती आउटसाइड द कंक्रीट वॉल ऑफ मैन एंड हाउस, मैन एंड हाउस से बाहर इसकी कोई हैसियत नहीं है सेक्सुअल डिजायर की। द सी इन फ्रूडियन टर्म सजेस्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, और जो सी जो फ्रूडियन टर्म में यूज होता है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को शो करता है। इन द एंड ऑल द मेन कैरेक्टर्स हैव लेकैनियन डेथ, और तमाम कैरेक्टर्स की एक लेकैनियन डेथ होती है, दे गोज अंडर द फिजिकल एंड इमोशनल, और वो फिजिकल और इमोशनल टर्मोइल में जाते हैं। डेस्टिनी ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द प्ले, और जस्ट लाइक द ग्रीक प्लेस के अंदर डेस्टिनी एक वाइटल रोल प्ले करती है और इंटरवेन करती है ह्यूमन लाइफ में, और फिर उसकी ट्रेजेडी होती है, सेम इज द केस हियर। एज़रा मैमन, मैन एंड पॉइजन एंड एडम ब्रांड शॉट डेड आर मर्डर, एज़रा मैनन को जहर दे दिया जाता है और एडम ब्रांड जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है, और इन दोनों ही यानी कि उसको गोली मार दी जाती है और दोनों ही मर्डर होते हैं। और इन एंड क्रिस्टाइन कमिटेड सुसाइड, ऑरिन और क्रिस्टाइन जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। लेविनिया और फॉर स्लो सुसाइड बाय एंटॉम्बिंग हरसेल्फ विद इन द मैंसन, और लेविनिया अपने आप को घर के अंदर जो है वो कैद कर लेती है, और वो ऑप्शन किस को सिलेक्ट करती है, स्लो सुसाइड को, यानी कि अपनी कैद को। ये आप लोगों की जो है स्लाइड एंड हो गई है। अच्छा